हर संगवारी हो, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल नीलिमा नारंग ब्लॉग पे। तो आप संगवारी हो, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करना चाहबो जिन अभिनय के क्षेत्र में एक दीपक रही से, जिन आज बुझा के हमर बीच में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सही समझ रहे हैं आप लोग, आज हम बात करेंगे आदरणीय शिव कुमार दीपक जी के बारे में, जिनके बारे में हम जितने भी कहें कम हैं। दादाजी के जन्म सन 1933 में ध्रुव के पोटिया गांव में हुआ था और ये काफ़ी फेमस थे। आप लोग को बता दें दोस्तों, दीपक जी को, दीपक का ये जो टाइटल है पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी से मिला था। दादा काम करते थे यहाँ भिलाई स्टील प्लांट में काम करते थे और यहाँ से काम करते हुए भी विख्यात हुए। फिल्म आप सभी को याद है, मैया लीली मैया दीदी की कसबोदरा ए तुमर साबुन ना थाले काओ एक कडी गोरा चीटी आगे री तलगा रे यार गोरा चीटी आगे तो मोरे साबुन पर पे प्रसिद्ध हुए इन लोग हास्य कलाकार के रूप में ये। और साथियों, इनके इस रोल को आज बच्चा बच्चा जानता है, मैया दीदी मैया लीली की कचड़ा बोदरा बोलने से हर कोई जानता है। लेकिन इन्होंने अपने फिल्मी करियर, अपनी कला के करियर की शुरुआत की सबसे पहली फिल्म कही देवे संदेश, ये हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे पहली फिल्म है। दादाजी की उनके कला के लिए बहुत सारी अवार्ड भी मिले हुए हैं और आज दादाजी हमें इस दुनिया से छोड़ के चले गए, ये बहुत दुखद घड़ी है। दादाजी की अंतिम यात्रा उनके गृह ग्राम पोटिया से निकला बुधवार को हुआ था इनका देहांत। वो अति ही एक दुख की घड़ी थी और इसमें छत्तीसगढ़ के सारे वो कलाकार आए थे जिन्होंने दादाजी के साथ काम किए थे, चाहे हमारे डायरेक्टर सतीश जैन जी हों, हीरो हमारे करण खान जी हों और हास्य कलाकार महानंदिया जी हों, निषाद जी हों और बहुत सारे कलाकार आए थे, जिसमें गायिका हेमा दिवाकर ने दादाजी का अंतिम यात्रा में खुद ये गाना गाकर विदाई दी और ये सारे कलाकार यहाँ आए हुए थे। तो सुनवारी हो, ये गाना स्वयं अंतिम घड़ी में, दादा के घड़ी अंतिम समय में इन्होंने आके खुद गाए है और ये हमला छत्तीसगढ़ संगवारी छत्तीसगढ़ चैनल के माध्यम से ये वीडियो ला साझा करा था। तो संगवारी हो, आज के वीडियो में इतना ही। तो जय जोहार, जय।